माँ दुर्गा नर्सरी की तरफ से सभी किसान भाइयों और मेरा प्लांट लवर दोस्तों को दिल से स्वागत है। आज पांच ऐसा डुआ वैरायटी रेड कलर मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, जो हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर आपको हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे जिस मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड बहुत ही इजी मेंटेनेंस का रेड कलर मैंगो वैरायटी। इस वैरायटी का नाम है रेड आइवोरी मैंगो। ये बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला और बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक मैंगो का वैरायटी है। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, फ्रूट थोड़ा लंबा टाइप का होता है और अंदर में जो सीड मिलता है बहुत ही पतला सा होता है। फ्रूट मैच्योर होने के बाद फ्रूट का कलर पूरी तरह से रेड कलर का होता है। देखने में जितना अच्छा होता है इसका फ्रूट, खाने में उतना ही स्वादिष्ट एंड स्वीटेबल होता है रेड आइवोरी मैंगो। एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 800 से 900 ग्राम तक होता है। तो हर साल बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक मैंगो का वैरायटी है रेड आइवोरी मैंगो। इस वैरायटी का प्लांट ज़्यादा बड़ा हाइट का होता नहीं है, ड्वार्फ रहता है। इस टेरेस गार्डन में बड़ा पॉट में बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है रेड आइवोरी मैंगो। इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फुट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड किया हुआ जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं, 70% प्लांट हम लोग खुद तैयार करते हैं, इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रेड आइवोरी मैंगो। टेरेस गार्डन में लगाने के लिए बहुत ही इजी मेंटेनेंस का एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रेड आइवोरी मैंगो। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए रेड कलर वैरायटी में से जिस मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर आपको हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है किवी जाय मैंगो। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 800 से 900 ग्राम तक होता है। अगर प्लांट में फ्रूट कम रहेगा तो लगभग 1 किलो तक होता है। और इसका कलर मैच्योर फ्रूट का कलर पूरी तरह से रेड कलर का होता है और अंदर में जो सीड आपको देखने को मिलेगा बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पतला सा होता है। खाने में बहुत ही स्वीटेबल एंड स्वादिष्ट होता है। इस वैरायटी का प्लांट ड्वार्फ रहता है, इसलिए टेरेस गार्डन में बड़ा पॉट में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फीट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट मिल जाएगा। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं सभी प्लांट मैच्योर रहता है। प्लांट लगाने के बाद आपको 1 साल के अंदर बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो टेरेस गार्डन में हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है किवी जाय मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा किवी जाय मैंगो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए जिस रेड कलर मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, ये बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर आपको हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है किंग ऑफ चकापोद मैंगो। इस वैरायटी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर मदर प्लांट का साथ फ्रूट के साथ वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर हर साल बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है किंग ऑफ चकापोद मैंगो। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, एक मैच्योर फ्रूट का वजन लगभग 1 किलो तक होता है। और इसका ना जो सीड मिलता है बहुत ही पतला सा होता है और बहुत ही छोटा सा होता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट एंड स्वीटेबल वैरायटी का मैंगो होता है किंग ऑफ चकापोद मैंगो। और इस वैरायटी का प्लांट ड्वार्फ रहता है, इसलिए टेरेस गार्डन में हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फीट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में किंग ऑफ चकापोद मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा। तो किंग ऑफ चकापोद मैंगो का प्लांट परचेस करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन होम डिलीवरी अवेलेबल है किंग ऑफ चकापोद मैंगो। टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड रेड कलर मैंगो वैरायटी है किंग ऑफ चकापोद मैंगो। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर एक रेयर वैरायटी मैंगो प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट आप स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का नाम है आपेल मैंगो या R2E2 मैंगो। एक ऑस्ट्रेलियन का एक वैरायटी है मैंगो का। इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर हर वेदर में हर मिट्टी में
आपको एक साल के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा। इस भेड़ का जो फ्रूट होता है पूरी तरह से राउंड शेप का होता है और पकने के बाद इसका जो कलर होता है, मैच्योर होने के बाद इसका जो कलर होता है पूरी तरह से रेड कलर का होता है और अंदर में जो सीट होता है बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही पतला सा होता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट एंड सुइटेबल होता है। तो इस वैरायटी का प्लांट चाहे आप टेरेस गार्डन में, बड़ा पॉट में, चाहे खेत में लगा सकते हैं। प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा, एप्पल मैंगो या R22 मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल के अंदर फ्रूट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं 70% प्लांट हम लोग खुद तैयार करते हैं, इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड किया हुआ प्लांट आपको मिल जाएगा। तो टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड बहुत ही इजी मेंटेनेंस का रेड कलर मैंगो वैरायटी है, एप्पल मैंगो या R22 मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेकर 3.5 फीट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा, एप्पल मैंगो या R22 मैंगो। नेक्स्ट 5 नंबर पे टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए जिस रेड कलर मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में अब लोगों को जानकारी देंगे, ये वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट कॉस्टलीस्ट मैंगो वैरायटी है। इस वैरायटी का नाम है जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। इस वैरायटी के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं। फ्रूट लगा हुआ प्लांट का वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं। तो इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, फ्रूट का कलर मैच्योर होने के बाद पूरी तरह से रेड होता है और इंडिया क्या हर जगह पे बहुत ही डिमांडेड एंड बहुत ही पॉपुलर मैंगो वैरायटी है, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर, आपको एक साल के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा, बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है। हर वेदर में, हर मिट्टी में बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। ये इंडिया का मार्केट में इस वैरायटी का जो मैंगो होता है, 1 किलो मैंगो का कीमत लगभग 2 से 3 हज़ार रुपया पर किलो के हिसाब से सेल होता है और हर जगह पे, हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला एक रेड कलर मैंगो वैरायटी है। इस वैरायटी का प्लांट ड्वार्फ रहता है, इसलिए इस वैरायटी का प्लांट आप टेरेस गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2.5 फुट से लेके 3 फुट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते 70% प्लांट हम लोग खुद तैयार करते, इसलिए आपको रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। इसका फ्रूट मैच्योर होने के बाद पूरी तरह से रेड कलर का होता है, देखने में जितना अच्छा होता है खाने में उतना ही स्वादिष्ट एंड सुइटेबल होता है और अंदर में जो सीड्स आपको देखने को मिलेगा बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही पतला सा होता है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड का आपको जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। इस वैरायटी के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है, फॉलो कर सकते हैं, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। तो इस वैरायटी का प्लांट चाहे आप जिस भी वेदर में लगाए, जिस भी मिट्टी में लगाए, प्लांटेशन करने के बाद आपको एक साल के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा, जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो। 2.5 फुट से लेके 3 फुट तक आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में मैच्योर ग्राफ्टेड किया हुआ आपको प्लांट मिल जाएगा और जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं, सभी प्लांट ग्राफ्टिंग करने के लगभग 1 साल बाद हम लोग ऑनलाइन में सेल करना शुरू करते हैं, इसलिए आपको प्लांटेशन करने के बाद हर वैरायटी में बहुत ही कम इंटरेस्ट के अंदर आपको 1 साल के अंदर फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो जापानीज रेड मियाज़ाकी मैंगो का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का जेन्युइन प्लांट मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जिस 5 रेड कलर मैंगो वैरायटी प्लांट के बारे में जानकारी दिया है, ऐसा वैरायटी हर वेदर में, हर मिट्टी में बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देने वाला मैंगो का वैरायटी है। ऐसा वैरायटी छोड़ के ये 5 जो मैंगो वैरायटी का प्लांट के बारे में जानकारी दिया है, ये 5 वैरायटी छोड़ के रेड कलर में और भी बहुत सारे वैरायटी होता है जो हर जगह पे, हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देते हैं। तो कोई भी वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस टाइम प्लान लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि हर जगह पे बारिश का मौसम आने वाला है कुछ दिन के अंदर। तो इस टाइम अगर प्लान परचेस करेंगे तो बहुत ही अच्छा कंडीशन आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लान मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।